आईपीएल की शुरुआत हुई थी ताकि इंडिया को अच्छे अच्छे खिलाड़ी मिले जो इंडिया के लिए वर्ल्ड कप में जाकर ट्रॉफी लेकर आए। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया की जो टीम वर्ल्ड कप खेलने जा रही है उस टीम में एक भी प्लेयर ऐसा नहीं है जो आईपीएल का फाइनल खेलने वाली टीम में खेल रहा। आई मीन दैट्स रियली शॉकिंग बट ये सच है। कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में आईपीएल का आखिरी मुकाबला 26 तारीख को खेला जाएगा। लेकिन ये बड़ी हैरान करने वाली कहानी है कि केकेआर में और एसआरएच में एक भी प्लेयर ऐसा नहीं है जो आईपीएल का फाइनल खेल रहा। एंड दैट्स रियली 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 शॉकिंग, क्योंकि जब आईपीएल आया था तो ये कहा गया था कि आईपीएल ऑडिशन होगा T20 वर्ल्ड कप के लिए। इवन इस साल कहा गया था कि आईपीएल वर्ल्ड कप से पहले हो रहा है, यहां खेलोगे तो वहां खेला जाएगा। लेकिन आईपीएल के फाइनल में इंडियन टीम का एक भी प्लेयर मतलब 15 लड़के सेलेक्ट हुए और 15 में यार एक तो बनता था। नो प्लेयर फ्रॉम द आईपीएल 2024 फाइनलिस्ट have been selected for India's T20 World Cup. That's really shocking. KKR में एक खिलाड़ी हैं जो साथ में जाएंगे लेकिन वो खेल नहीं रहे हैं, रिंकू सिंह उनका नाम। जो खेल नहीं रहे हैं, 15 में नहीं है, तो उनको आप क्या गिनोगे? लेकिन ये बड़ी हैरानी की बात है कि जो खिलाड़ी 22 प्लेयर खेलने वाले, जिसमें आप ये मान के चलो कि 14 तो सीधे खेलते हैं, 7 और 7 और 2 इंपैक्ट प्लेयर जो, तो 16 खिलाड़ी जो इंडियन हैं जो फाइनल मुकाबला खेलेंगे वो नहीं है फाइनल वर्ल्ड कप के लिए। एसआरएच और केकेआर दोनों टीम में कई ऐसे खिलाड़ी थे जिनकी जगह बन सकती थी इंडियन टीम में, जो बहुत अच्छा कर रहे थे। इनफैक्ट आप इसमें से निकाल के एक टीम बना सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप देखो ना, कोई भी प्लेयर नहीं है। अभिषेक शर्मा क्या कमाल के बल्लेबाज है, और तकरीबन 500 रन बनाए हैं, गेंदबाजी कर लेते हैं, जबरदस्त ओपनर हैं, आईपीएल के इकलौते प्लेयर हैं जिन्होंने 10 मैच खेलने के बाद 200 का स्ट्राइक रेट मेंटेन कर रखा है, 42 छक्के मार चुके हैं, विकेट भी निकाल लेते हैं, लेकिन अभिषेक शर्मा को जगह नहीं मिली। रिंकू सिंह यार T20 क्रिकेट में क्या कमाल के प्लेयर है, इंटरनेशनल करियर क्या शानदार रहा है, मतलब 170-180 का स्ट्राइक रेट है, 80-90 का उनका एवरेज है T20 इंटरनेशनल्स में, लेकिन उनको जगह नहीं दी गई है। नटराजन डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट हैं, 19 विकेट निकाल चुके हैं, कमाल के बॉलर हैं, आप उनकी गेंदबाजी के मुरीद हो जाएंगे, लेकिन नटराजन को नहीं देखा गया यार। आप वही पुरानी थ्योरी पे अर्शदीप सिराज आप ले गए, इररेस्पेक्टिव कि चाहे सिराज हो या अर्शदीप हो, इन्होंने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है जाने लायक। नटराजन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, डेथ ओवर में कमाल किया है, लेकिन नटराजन को आप लेकर नहीं जा रहे हैं, क्यों पता नहीं, मतलब इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस है वो कोई कह नहीं सकता, लेकिन ये बहुत शॉकिंग है कि आपने नटराजन जैसे खिलाड़ी का भी सिलेक्शन नहीं किया है। भुवनेश्वर कुमार नई बॉल से अच्छे थे। हर्षल पटेल जो पर्पल कैप होल्डर थे, चलिए वो तो पंजाब से खेल के बाहर हो गए, लेकिन पर्पल कैप वाले को भी आप नहीं ले गए। आप हर्षित राणा जिन्होंने 17 विकेट निकाले हैं आप उनको नहीं ले गए, वरुण चक्रवर्ती जिन्होंने 20 विकेट निकाले आप उनको नहीं ले गए, रियान पराग जो अब तक खेल लेते, चलिए तो फाइनल नहीं खेले लेकिन 573 रन ये भी अच्छे खासे थे, आप इनको ले जा सकते थे। बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जो आपको इन टीमों में नजर आएंगे जिनको जगह बन सकती थी फाइनल में। वेंकटेश अय्यर, श्रेयस अय्यर, चलिए इनको आप नहीं ले रहे हो कि चलो यार इतना दम नहीं था, बट स्टिल आई बिलीव 4-5 खिलाड़ी तो थे। अभिषेक, नटराजन, ये वो खिलाड़ी है जिनकी जगह बन सकती थी। रिंकू सिंह ऑफकोर्स बन सकती थी। अब जो खिलाड़ी है, मुंबई इंडियंस 10 पायदान पर थी, खिसक गई, रोहित शर्मा कप्तान ने, विराट की टीम टॉप 4 तक गई बाहर हो गए, जयसवाल टॉप 3 तक गए बाहर हो गए, सूर्या 10 में थे बाहर हो गए, ऋषभ पंत शुरू में बाहर हो गए, संजू सैमसन बीते मैच बाहर हुए, हार्दिक बाहर हैं, दुबे जी वो भी क्वालिफायर में नहीं आ पाए बाहर हैं, जडेजा वो भी क्वालिफायर से पहले निकल गए, अक्षर पटेल क्वालिफायर से पहले निकल गए, कुलदीप क्वालिफायर से पहले निकल गए, चहल यहाँ थे फ्लॉप थे, पिट रहे थे, 3 नंबर पर चले गए, बुमराह 10 के पहले ही चले गए और क्वालिफायर के पहले, अर्शदीप पहले गए थे, सिराज आखिरी में आए थे बट उस इंपैक्ट नहीं डाल पाए। जो रिजर्व प्लेयर हैं उसमें गिल हैं, रिंकू हैं, खलील हैं, आवेश हैं, लेकिन ये बड़ी हैरान करने वाली बात है और ये सोचने वाली बात है कि केकेआर वर्सेस एसआरएच में आपको
फाइनल मैच खेलने वाली टीम, जो दो सबसे डोमिनेटिंग टीम रही है, वो टीम जिनका इंपैक्ट एक्चुअली में आईपीएल में रहा है, उनमें से एक भी प्लेयर ऐसा नहीं है जो इंडियन टीम के लिए वर्ल्ड कप खेलने जा रहा है। एंड दैट्स रियली 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 शॉकिंग। मुंबई से प्लेयर ही प्लेयर है जो 10 नंबर की टीम है, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव, आरसीबी विराट कोहली, सिराज, राजस्थान युजवेंद्र चहल, संजू सैमसन, जायसवाल, जीटी शुभमन गिल बैकअप में गए हैं, डीसी ऋषभ पंत, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल गए हैं, सीएसके दुबे जी गए हैं, जड्डू गए हैं, ये सारे खिलाड़ी हैं। बट यार फिर वही कहानी कि यार बनता था यार, एक दो का तो बनना चाहिए था, और अगर नहीं बना तो क्या विदेशी खिलाड़ियों के दम पर केकेआर और एसआरएच आगे बढ़ी है? आई मीन व्हाट्स योर टेक, प्लीज डू कमेंट।